तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है, जो उसका अधिकार है उसका हक है उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है, इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हो, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने ना, तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति। आप देखिए, हमने एक पहल की है, हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ, एक नारा दिया आपको, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक है, एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ? बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों, अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई है, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति है।